कोई बंदा अगर पाब्लो एस्कोबार से मिलने जाता था तो उसको अपने मुंह ढक के जाता था। पाब्लो एस्कोबार यहाँ पे बैठा हुआ था तो लोग उसको यहाँ से मारने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देख लो कितनी गोलियाँ हैं। इस तरह बंद करके इसको यूएस जाता था, इसमें कोकेन डाला जाता था। उसके एनिमी ने एक दिन घुस के सारे एनिमल्स को मार दिया। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ कोलंबिया में। वेल आपने पिछली वीडियो देखी होगी एंड अभी मैं एक स्पेशल प्लेस में हूँ। कोलंबिया को एक्चुअली मैंने जाना था एक सीरीज से, आई थिंक ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा होगा नार्कोस। सो फिलहाल भाई मैं आ चुका हूँ पाब्लो एस्कोबार के घर में। उनके पास बहुत सारे घर थे, यू नो काफी रिच थे उनके पास। एक टाइम पे आई थिंक दुनिया के सबसे सातवें रिच व्यक्ति थे। आई एम श्योर आप पाब्लो एस्कोबार के बारे में जानते ही होंगे। मूवीज में नार्कोस सीरीज जितनी फेमस हुई थी तो आपने शायद मोस्ट ऑफ द लोगों ने देखा ही होगा, बट बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। तो मैं बता देता हूँ कि पाब्लो एस्कोबार एक ड्रग लॉर्ड था, ड्रग सप्लाई करता था यूएस में या अदर कंट्रीज में। एक्चुअली बहुत सारा पैसा था उसके पास, बिलियन से पैसे थे उसके पास उस टाइम। वो एक गंदे काम करके, मतलब गंदे काम मतलब लोगों को मारना, लीडर्स को मार देते थे वगैरह वगैरह। फिलहाल मैं उसके घर पे आया हूँ और दिखाने वाला हूँ कि क्या है पाब्लो एस्कोबार का घर, कैसा दिखता है और उसके पास क्या क्या सामान थी। सो एक्चुअली मैं अभी जस्ट के साथ मेरे हॉस्टल में मिली थी एंड ये कुछ बोलने वाली है। व्हाट आर यू गोना से? प्लाटा ओक्लोमा। प्लाटा ओक्लोमा। प्लाटा, ओ वाओ, ओ भाई ये सीक्रेट डोर था जाने के लिए यहाँ पे भाई। अच्छा ये एक्चुअली वॉल था और ये सीक्रेट डोर था जहाँ से आप जा सकते थे। पाब्लो एस्कोबार भाई साहब पैसे, गन्स एंड ज्वेलरी वगैरह रखते थे। इनकी बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई है, देख सकते हो आप। तो भाई गाइड भाई सब बता रहे थे इनकी सारी तस्वीरें हैं और जीएस पॉइंट पे जो मैं खड़ा हूँ 3 मीटर होगा, एटलीस्ट 4 मीटर, 3-4 मीटर यहाँ तक पूरा पैसा भरा रहता ऊपर तक। सिर्फ ये जस्ट ओनली मनी और ऑल्सो ज्वेलरी वाज हियर। मनी स्पेशली $50 बिल, गोल्ड बार्स, जूल्स, आर्ट एंड वेपन। ओके हियर। यस सर। ओके सो दिस वाज अ बंकर। यस सर। ओके तो भाई साहब ये आप जो देख रहे हो सेफ वगैरह, एक्चुअली उसमें स्पेशल डॉक्यूमेंट वगैरह रखा जाता था। इसको तो जंगलों में छोड़ दिया था उन्होंने, स्पेशल डॉक्यूमेंट रख के जंगलों में कहीं जंगलों में दफना दिया था। ये जहाँ पे पाब्लो रहता था उसका घर था। पाब्लो का यहाँ पे 17-18 बहुत सारे घर थे। एक्चुअली पाब्लो के नाम पे कोई घर नहीं था, वो लोगों को दान कर देता था और उसी घर के लाइक किसी सीक्रेट एरिया में वहाँ पे पाब्लो पैसे रखता था, ज्वेलरी रखता था और यहाँ पे काफी सारे पैसे ज्वेलरी थे। कुछ ऐसा दिखता था उस समय। ये मुझसे पूछा कि हालांकि काम तो बहुत गलत कर रहा था, एट द सेम टाइम भाई कि अगर आप बहुत गरीब हो और आपको कोई खाना देता है, रहने का देता है, हॉस्पिटल सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है तो क्या आप बिल्कुल हेट करोगे? क्या कहीं से पैसा आ रहा है क्या उसकी केयर करोगे? भाई मैं गरीब हूँ यार, मेरे को खाने के लिए पैसे नहीं है, कोई बंदा मुझे पैसे दे रहा है तो आई डोंट केयर कि पैसा कहाँ से आ रहा है उसके पास। हालांकि उसके कोकेन की वजह से काफ़ी लोग मरे थे एंड जब तक ये पॉलिटिक्स में आया फिर काफ़ी सारे फाइटिंग हुई, काफ़ी लोगों को मारा गया, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट इसकी एक पॉजिटिव स्टोरी ये थी कि इसने अपने जो पैसे को ना लोगों में दान किया, लोगों पे बांटा, चैरिटी किया तो लोग इसको भगवान मानते थे, लोग इसको अच्छा मानते थे उस समय। और जो रिच लोग थे जो कि जिसके पास ऑलरेडी पैसा था वो उसको नहीं लाइक कर रहे थे क्योंकि उसको लगता कि देश का नाम खराब कर रहा है। भाई पाब्लो एस्कोबार के पास उसका खुद का गैस स्टेशन था और कोई बंदा अगर पाब्लो एस्कोबार से मिलने जाता था तो उसको अपने मुंह ढक के जाता था क्योंकि उसको बंदे को पता नहीं हो कि बंदा एक्चुअली जा कहाँ रहा है, तो किसी को पता नहीं होता था। और ये सारी कार है पाब्लो एस्कोबार की। ओके भाई साहब ये सब सिर्फ कार नहीं है, इसकी स्टोरी भी है। तो बेसिकली ये कार इन्होंने एक इटालियन माफिया से लिया था, खरीदा था। वन ऑफ द टाइम की अच्छी कार हुआ करती थी, बहुत एक्सपेंसिव कार हुआ करती थी उस समय की। ये कार पे पाब्लो जाता था और उस पर बहुत सारे ऑफकोर्स मर्डर अटेम्प्ट तो हुए थे। एक मर्डर अटेम्प्ट में ये दिखाता हूँ कि क्या हाल हुआ था, गोलियों से किस तरफ से मारा गया था, देख रहे हो एक, क्योंकि इस तरफ से कम है लेकिन उस तरफ ज़्यादा है। और ये बुलेट प्रूफ कार था पाब्लो के पास। भाई शीशा में टच करके देख रहा हूँ भाई, बहुत ही मजबूत चीज़ है। एक्चुअली मैं पहली बार कोई बुलेट प्रूफ कार भी देख रहा हूँ, उससे पहले मैंने कभी बुलेट प्रूफ कार देखी भी नहीं थी क्योंकि आप नॉर्मल शीशे को दबाओगे तो यार खटखट करता है, बट ये बिल्कुल भी खटखट नहीं करता। पाब्लो एस्कोबार यहाँ पे बैठा हुआ था तो लोग उसको यहाँ से मारने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देख रहा हूँ कितनी गोलियाँ हैं। और एक कार आपको और दिखाता हूँ, ये प्रेसिडेंटियल लेवल 7 कार है, जो प्रेसिडेंट वगैरह जो यूज नहीं करते उस तरह का कार है। और भाई ठक करोगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा इसमें। और आपको ये दिखाता हूँ कि ये वाला नॉर्मल कार है, इसका रेसिंग कार हुआ करता था। ऐसे ऐसे करोगे देखो आवाज़ कर रहा है ना, इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता। और ये इस पर पहला मर्डर अटेम्प्ट था, क्लासनिकोव AK-47 सब कुछ यूज कर लिया गया था। ये देखो क्या हाल हुआ है, और आपको दिखेगा नहीं लेकिन इसके अंदर एक बुलेट भी अभी तक दिखेगी आपको। यहाँ पे मारा गया, यहाँ पे मारा गया, एक तरफ, क्योंकि इस तरफ से एक तरफ से ही हुआ था। और देखो भाई हैंडल का क्या हाल हो गया था। सो उस पर काफ़ी सारे मर्डर अटेम्प्ट तो गवर्नमेंट की तरफ से किए गए थे बट सक्सेसफुल था। और ये पाब्लो की रेसिंग कार थी, इसका ये रेसिंग कार देखने में कुछ ऐसा लगता है, काफ़ी शानदार रेसिंग कार थी ये उस टाइम का।
पाब्लो एस्कोबार का, बट वो आई थिंक रेसिंग में नंबर 4 आया था एक बार वो। भाई साहब कार का टूर देने के बाद मैं आपको इस प्लेन का टूर देता हूँ। इस प्लेन में एक्चुअली कोकेन जाता था। फिर मैंने भाई साहब से पूछा कि भाई ये तो बहुत छोटा प्लेन है यार, ये कहाँ से यूएस पहुँच जाएगा, क्योंकि यूएस यहाँ से एटलीस्ट 5 घंटे का रास्ता है। मियामी सबसे नज़दीक है तो एटलीस्ट 5 घंटे का मियामी रास्ता तो होगा ही। तो 3 स्टॉप लेते थे, पहले क्यूबा में स्टॉप लेते थे, फिर पनामा में, एंड देन कोलंबिया आते थे। तो इसमें कोकेन जाता था और भाई एक टाइम पे आई थिंक कितने टन बोल रहे थे, मतलब बहुत सारे पैसे बना रहा था भाई, इतने टन कोकेन भेज रहा था। और उसका जो मेन सोर्स ऑफ मनी था वो यूएस से ही था। मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ अंदर जाके। सो भाई साहब ये सब इसकी कार है, ये हार्ले डेविडसन इसकी कार है और इसकी बाइक्स हैं। ये काफ़ी शौकीन था यू नो बाइक्स का, कार्स का। एक मालवाड़ा कंपटीशन हुआ था उसमें वो नंबर 1 आया था इसी कार से। ये सब इसकी फोटोज़ वगैरह है, लेकिन आपको ये दिखाता हूँ ये हेलीकॉप्टर था। बेसिकली आई थिंक नार्कोस में ये चीज़ नहीं दिखाया गया है, इसका फेवरेट हेलीकॉप्टर था। ये कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये ऑलमोस्ट क्रैश होने वाला था, तब जहाँ पे लैंड ट्राई करने वाला था काफ़ी लोग दौड़ रहे थे। उसने अपना पैसा निकाला, ज़्यादा पैसा फेंक दिया तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए और उन्हें पैसा चुनने लगे। तो फिर इन्होंने लैंड किया, बट जब लैंड किया तो जो उसका पंखा जो था इसमें कट गया और ये इसके हेलीकॉप्टर के 2 टुकड़े हो गए। बट पाब्लो एस्कोबार इतना लकी था कि बच गया, ऑलमोस्ट क्रैश लैंडिंग में बच गया। ये थी इसकी हेलीकॉप्टर की स्टोरी। और भाई साहब ये सब चक्के हैं, इस चक्के में क्या किया जाता था कि इसके अंदर इस तरह बंद करके इसको यूएस भेजा जाता था, इसमें कोकेन डाला जाता था। बट अब चक्के को देखो भाई कि चक्का तो नया लगता ही नहीं है, ये इसमें फ्रिक्शन है ही नहीं। सो तो जब यूएस आता था ये वाला ये कुछ तो काम का ही नहीं, इसको डंप कर देते हैं। तो उसमें उतनी तकनीक नहीं थी कि इसके अंदर क्या है पता कर पाए। तो जहाँ पे डंप किया है वहाँ से चक्के को उठाता था और आपस से कोकेन भेजता था यूएस में। ये सब उसका फेवरेट प्लेन्स वगैरह है। ये आई थिंक नॉर्मल लैंडिंग हुई है। और ये सबमरीन था पाब्लो एस्कोबार के पास। रशिया से उन्होंने 2 साइंटिस्ट को बुलाया था और उसे सबमरीन मंगाया था और सबमरीन रशिया से लिया था, खरीदा था। भाई साहब बहुत चीज़ खरीदा है, मतलब पाब्लो एस्कोबार क्रिमिनल था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था, बड़े ही नेक्स्ट लेवल क्रिमिनल था। और सबको पैसे पे खरीद देता और जो नहीं पैसे से खरीदता उसको मार देता। ये पियानो है शायद जितना मुझे समझ में आया, लेकिन ये क्या है, पाब्लो के पास बहुत पैसा था तो यहाँ पे मान के चलो $1 मिलियन यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये 1970 का उन्होंने बताया कि यहाँ पे 3 लोग गाना गा रहे हैं और ये लेजर करियो की जो अच्छा गाना गाएगा उसको पैसे मिलेगा। और ये उस समय की टेक्नोलॉजी ये है कि उस समय ये लेजर जो है उसको समझ आता था कि किसने अच्छा गाना गाया है ये मशीन के द्वारा। तो ये था मशीन पाब्लो एस्कोबार का। आपको ये दिखाता हूँ, ये एक एरिया है जिसको पाब्लो एस्कोबार ने बनाया था। यहाँ पे अराउंड 1000 घर हैं। पहले ऐसा हुआ करता था, उसको उन्होंने ऐसा किया वहाँ पे चर्च, स्कूल, यू नो एवरीथिंग, खाने पीने की चीज़ें, हॉस्पिटल्स वगैरह, उसने एरिया बनाया था पूरे के पूरे मैगजीन में। तो इसलिए उसको लोग कहीं ना भगवान मांगते थे। पहले लोग ऐसे रहते थे इस स्लम टाइप में, उसके बाद वो लोग ऐसे रहने लगे, उनके पास घर आ गई अचानक से। और ये यहाँ पे उसके सपोर्ट के लिए आए थे कि पाब्लो एस्कोबार इलेक्शन के लिए खड़ा हो और पाब्लो एस्कोबार को प्रेसिडेंट बनाया जाए। और ये फुटबॉल का काफ़ी फैन था और हर जगह फुटबॉल खेलता था। ये दिखाता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो मान के चलो कि यूएस चला गया पैसा, यूएस जाने के बाद पैसा तो चला गया, अब वहाँ से पैसा कैसे आएगा, 4 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन डॉलर कैसे आएगा पैसा वहाँ से। ये क्या करता था कि इसके अंदर पैसे पूरा भर देता था और इसको लॉक कर देता था। और उस समय उनके पास मेटल डिटेक्टर था तो चेक नहीं कर पाते थे। डायरेक्टली जो पैसा था, पूरा जो पैसा था वो डायरेक्टली $3 मिलियन फर्नीचर के तौर पर कोलंबिया में आ जाता था। और साथ ही साथ सेम स्टोरी यही ऐसी है भाई साहब। ये सब एनिमल्स था जो पाब्लो एस्कोबार अफ्रीका से उठा के लाया था। हिप्पोज हो गए, रियानिस हो गए, मतलब सारे top 5 एनिमल्स उठा के ले आया था अफ्रीका से। बट जब पाब्लो एस्कोबार मर गया तब ये तो बोल रहे थे गवर्नमेंट के कहने पर उसके एनिमी ने एक दिन घुस के सारे एनिमल्स को मार दिया। बट 2-3 हिप्पोज थे जो फ्रेंड्स को तोड़ के भाग गए। और हिप्पोज मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली दे आर वेजिटेरियन, तो वहाँ पे तरबूज खाते 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 आज सुना है कि 200-300 हिप्पोज हो गए हैं। एक्चुअली ये थोड़ा बनाया गया इसका कैथेड्रल था जो पाब्लो एस्कोबार का जेल था। एंड पाब्लो एस्कोबार का भाई जेल नहीं, मैंसन था भाई, मतलब स्वर्ग, हर जगह सब कुछ था वहाँ पे। क्या नहीं था वहाँ पे, वाटर पार्क था, कैसीनो था, 5-star रेस्टोरेंट था, अमेजिंग रूम था, खुद से बनाया था अपना जेल भाई, एकदम लग्जरी जेल कह लो। ये भाई जेम्स बॉन्ड मूवी का ये आप स्की देख रहे हो, सो वाटर स्की, उसने 10 हॉलीवुड ने बनाए थे और 10 के 10 इसने खरीद लिए हैं, कुछ यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो पाब्लो एस्कोबार ने इतना भाई उसके पास पैसा था तो काफ़ी रईसी करता था, मतलब जितनी रईसी हो सके उतनी रईसी करता था। खुद का भाई जेल बना लिया, बताओ कोई आम बात है खुद का जेल बनाना। और ये वन ऑफ द पाब्लो एस्कोबार का घर हुआ करता था। देख रहे हो भाई कैसे जगह घर बनाया था उसने, जहाँ पे झरना चल रहा हो, काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन पे है, जंगलों के बीच है मेदजीन, एक्चुअली काफ़ी ग्रीन सिटी है। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है सब। इस बंदे को तो आप जानते होगे ना, मर्दोना, जब ये जेल में था तो इसको बुलाया और बोला कि इसको किडनैप कर लो। इसको किडनैप कर लिया और इसके साथ इसने फुटबॉल खेला और पाब्लो एस्कोबार जीत गया फुटबॉल मैच।
आपको इसके बारे में तो बिल्कुल ही पता होगा ना भाई साहब। पाब्लो एस्कोबार के म्यूजियम से मैं बाहर आ चुका हूँ। बहुत सारी जो स्टोरीज थी और जो पर्सपेक्टिव था यहाँ के लोगों का, वो आई थिंक नार्कोस में आपको देखने को नहीं मिलेगा या कोई भी टीवी सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है, ये एक के लिए जो पाब्लो का जितनी भी आप चीजें अंदर देख पा रहे हो, वो पाब्लो के एक नेफ्यू ने खरीदा है और इसके पाब्लो के नेफ्यू ने ही इसको बनाया है, इस म्यूजियम को। जब इसको मारा गया तो गवर्नमेंट सबको सीज कर लिया था एंड उसके बाद उसको ऑक्शन किया गया। सो ऑक्शन को पाब्लो के नेफ्यू ने खरीदा था। तो ये थी इसकी स्टोरी कि कैसे इसका ये घर है नहीं है, बट ये वन ऑफ द घर हुआ करता था। लेकिन पाब्लो क्या करता था कि घर किसी के नाम पे खरीदता था, अपने नाम पे नहीं खरीदता था, इतना मुझे गाइड भाई साहब बताए। और उसने लाइक चैरिटी काफ़ी की है, मतलब पैसे दान काफ़ी किए हैं। खुद की एक टैक्सी कंपनी खोली थी और आई थिंक दुनिया की सबसे रिचेस्ट टैक्सी कंपनी होगी, सबसे प्रॉफिटेबल टैक्सी कंपनी होगी, क्योंकि जो वो जो ब्लैक मनी था जो यूएस से आता था मिलियंस मिलियंस डॉलर में, उसको वो बना देता था वाइट। तो ब्लैक को वाइट कैसे बनाया जाता था, वो पाब्लो ने टैक्सी कंपनी से बनाई थी, वो बता रहे थे भाई साहब। और उनका काफ़ी शौक था, जानवरों का शौक था यार। अफ्रीका से सारे जानवर उठा के ले आया और यहाँ पे सारे के सारे जानवर, हिप्पोस एलिफेंट वगैरह, बट सारे मारे गए यार। सबसे दुख होता है हिप्पोस को छोड़ के, हिप्पोस बच गए, सारे के सारे मारे गए। वेल एक टूर ठीक ठाक था। यहाँ पे भाई एंट्री फी जो है वो अराउंड $26 है, जो कि रुपीज़ में अराउंड 1700-1800 रुपये पड़ेगा। तो ये काइंड ऑफ प्राइवेट है, ये आई मीन गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट म्यूजियम है और गवर्नमेंट ने इसे रहने दिया, क्योंकि पाब्लो ने थोड़ा सा तो गुड काम देश के लिए किया था। बहुत सारे जो बैड थिंग्स तो थे ही, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को मारना, बड़े बड़े लीडर्स को मार देना, बट लोकल लोगों के लिए वो एक मसीहा ही था। यहाँ पे जब जो लोग गरीब थे उसके लिए एक मसीहा था, क्योंकि उसकी हेल्प करते थे पाब्लो। तो ये अलग स्टोरी थी पाब्लो की। हालांकि जो पैसा आ जाता था वो गलत पैसा था, बट फिर भी एक काइंड ऑफ मसीहा ही था।